नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम वास्तु टॉक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे डे वाइज 2024 ऑन 1 तारीख या 2 तारीख, 3 तारीख, उस दिन की उनकी क्या क्या नेचर एट्रीब्यूट्स, कौन से फील्ड में जा सकते हैं, उनके हेल्थ कैसे रहेगा, कौन से उनके सक्सेस डायरेक्शन, क्या उनके फेवरेबल कलर, इसके ऊपर आज हम बताएंगे। ये छोटा सा वीडियो है, तो आखिर तक आप बने रहिए और मेरे जो चैनल्स है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए डे टू डे बेसिस टिप्स के लिए। चलिए डिस्कशन करते हैं। पीपल 2024 यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, चाहे 1 हो, 10 हो, 19 हो, ये आपकी टोटल 1 हो जाएगा। एंड टोटल मंथ, डे एंड ईयर, और ये मिलके 1 आता है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज फेवरेबल फॉर देम। सो यू आर लीडर, यू आर एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड विथ रूटीन वर्क। आपके पास कोई भी काम आ जाए, अगर वही सेम मोनोटोनस एक्टिविटीज में आप, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। एंड यू पोजेस अ वेरी ब्रॉड विजन, स्ट्रांग विल पावर, योर डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड इन्वेंटिवनेस आर द की टू योर सक्सेस। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप उसको डेवलप कीजिए, तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये। लेकिन आप थोड़ा सा लेजीनेस को अवॉइड कीजिए, लेजीनेस एंड प्रोकास्टिनेशन, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। एंड आपकी एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, कोई भी काम अगर नहीं होता है, यू कैन पुट अ एफर्ट, लेकिन उसके लिए इमीडिएट फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, ये आपके लिए एक गुरु मंत्र है। आपके फेवरेबल डेज है संडेज एंड मंडे, इस दिन में आप कोई भी इनिशिएट कर सकते काम, वो आपको अच्छा रहेगा। एंड फेवरेबल डेट्स 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 31। तो दीज आर द डेट्स। इसी डेट में, अगर इसी डेट के अंदर कोई भी संडे या मंडे आ जाता है, तो आपको बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा ये। आप अवॉइड कीजिए 5, 6, 14, 25, 23 एंड 24 तारीख को, कोई भी एक न्यू एक्टिविटी के लिए उसको अवॉइड कीजिए, और कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो तो उसको अवॉइड कीजिए। आपके पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप 1, 10, 19, 28 इन तारीख में, जिन जिन के जन्म हुआ है, आप इनसे पार्टनरशिप फ्रेंडशिप आपके बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लव एंड मैरिज, ये भी है आपके लव एंड मैरिज के लिए, जो जो डेट्स फेवरेबल है, इसी डेट में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है, उनके लिए आपके लिए वो फेवरेबल रहेगा। दैट सेम 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 31 इन डेट ऑफ बर्थ में जिन का जन्म हुआ है, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप अगर मैरिज, ये आपके लिए बहुत काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये। आपकी फेवरेबल कलर है गोल्डन येलो एंड कफर कलर। आप इस कलर में आपके बेडशीट यूज कर सकते हैं, पिलो कवर कर सकते हैं, ड्राइंग रूम के कार्टन्स वगैरह कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं तो इसके आपके क्लोदिंग में आप इसको चॉइस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड कुछ नहीं तो एक छोटा सा हैंडकरचीफ भी आप रख लेंगे साथ में, ये भी आपके लिए काम कर जाएगा। आपकी डायरेक्शन है ईस्टर्न डायरेक्शन जोन, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम कर सकते हैं। टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन कोई भी काम के लिए जाएं, दैट विल बी सक्सेसफुल टू यू। अगर आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में आप जाते हैं, जो भी जिस पर्पज से करेंगे, वो आपके लिए सक्सेस रहेगा। आपके हेल्थ, आपके हेल्थ मेनली थोड़ा सा आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज के इशू रह सकता है, ब्लड प्रेशर, आई रिलेटेड इशू, नर्वस वीकनेस, गाउट प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इनमें से कोई भी बीमारी आपके साथ रह सकता है, तो उसी साथ आप थोड़ा सा क्या रहिए एंड जरूरत पड़े तो मेडिकल सपोर्ट लीजिए। एंड आपकी प्रोफेशन, मेनली आपकी जो प्रोफेशन रहेगा, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर पोजिशन, और हाई रैंक ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट जॉब एंड इन प्राइवेट जॉब ऑल्सो, ज्वेलर्स वर्क, डीलिंग विथ गोल्ड, इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेडिकल प्रोफेशन, यू कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो एंड मेडिकल प्रोफेशन आप जा सकते हैं, फूड ग्रेन एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये आप कर सकते हैं। आपकी जो इष्टदेव जो रहेंगे, लॉर्ड सन इज योर डाइटी, इंद्रदेव लॉर्ड सन ये आपकी डाइटी है, तो उनको सुबह उठ के अगर हो सके आप 5 से 7 बजे नहा के उनको पानी ऑफर कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। एंड एवरी संडे
अवॉइड नॉन वेज एंड अल्कोहल खास करके, एंड रिसाइट गायत्री मंत्रा 21 टाइम्स डेली। एंड जैसे मैंने बोला, ये जो लिकर एंड नॉन वेज ये बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, दोज आर बोर्न ऑन दिस डेट एक तरीके लिए। एंड इसके लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, मतलब कुछ भी दान कर सकते हैं, चाहे मंदिर में या कोई अच्छे कोई प्रीस्ट को, ब्राह्मीण को, जहीं पर आपको अच्छा लगे, गौशाला में, हुईट, जगरी गुड़, लाल चंदन, रेड क्लॉथ, गोल्ड, रूबी जेम्स, ये आप दान कर सकते हैं। कोई स्कॉलर पर्सन हो, खास करके प्रीस्ट ब्राह्मीण इन जो हो, तो उनको आप दान कर सकते हैं। और कोई ओल्ड एल्डरली जो ज्ञानी हो, मतलब जो ज्ञानी है, जो उनको आप ये कर सकते हैं, नहीं तो गौशाला में दे सकते हैं, सबसे बेस्ट। एंड आपके लिए बीज मंत्र रहेगा, सन के लिए जो बीज मंत्र, ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह उठ के आप 108 बार रिसाइट कीजिए। आप 30 दिन से 45 दिन के अंदर यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ योर सेल्फ। एंड खास करके ये जो डोनेशन जो बता रहा हूँ, ये आपके ईस्ट जो देवता, जो आपके डेटी है, ये सारी चीज़ बताऊँ, ये बहुत ध्यान से रखिए इस चीज़ को और इसको फॉलो कीजिए। और ये जो बीज मंत्र, मैं और एक बार बोल देता हूँ, बीज मंत्र ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। अगर ये आपको याद भी नहीं रहा, यू कैन गो फॉर द गायत्री मंत्र ऑल्सो। यू कैन फील द डिफरेंस विद इन 30-45 डेज। और रोज सुबह उठा कीजिए, सुबह उठ के सूर्यदेव को पानी अर्पण कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।